दोस्तों, अगर बहुत मेहनत करने के बाद भी आपकी जो वेब स्टोरीज हैं उन पर AMP का एरर आ रहा है, और अगर स्पेशली वो एरर कस्टम जावास्क्रिप्ट नॉट अलाउड है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, जिससे जो आपका वो एरर होगा वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी, तो बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उन्होंने वो टेक्निक, वो मेथड भी अप्लाई कर लिया है, फिर भी उनकी जो वेबसाइट है, उनकी जो वेब स्टोरी है, उस पर AMP का एरर आ रहा है। तो उन लोगों की डिमांड पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और यकीन मानिए, अगर इस वीडियो में मैं आपको जो बताता हूँ उसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो फिर आपकी जो भी वेब स्टोरी से होगा AMP का एरर, वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको अपनी कहानी बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, स्टार्टिंग में जब वेब स्टोरी ट्रेंड पर थी, अब भी ट्रेंड पर है, बहुत लोगों को बहुत ट्रैफिक मिल रहा है, तो मैंने भी वेब स्टोरी पर काम करना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने 10-15 वेब स्टोरी को पब्लिश किया, तो उन पर क्या था, मेरी वेबसाइट पर AMP का एरर आ गया। तो अब अगर आपकी वेब स्टोरी पर AMP का एरर आ जाता है, तो मैक्सिमम केस में वो डिस्कवर में नहीं आ पाती। तो अगर वो डिस्कवर में नहीं आएंगी, तो आपकी जो भी वेबसाइट होगी, उसको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो अब मैंने क्या किया, बहुत सारे मेथड ट्राई किए, बहुत सारी टेक्निक ट्राई की, तो इसी बीच मुझे जो इससे पिछली वाली वीडियो में टेक्निक थी वो पता चली, मैंने उसको अपनी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट किया, तो वहाँ से मेरी वेब स्टोरी का AMP का एरर सॉल्व हो गया। अब वेब स्टोरी क्या हुआ, डिस्कवर में आने लगी, वेब स्टोरी पर ट्रैफिक आने लगा। तो अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद जो भी AMP का एरर सॉल्व हुआ था जिन भी वेब स्टोरी पर, वो AMP का एरर दोबारा आने लगा। तो अब वहाँ से क्या होता है, अगर एरर आपकी वेब स्टोरी पर आता है, तो वेब स्टोरी का जो है ट्रैफिक जो है वो डाउन होने लगता है। तो सेम केस मेरे साथ भी हुआ, बहुत सारे पहले वाला मेथड भी ट्राई किया, पर वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं मिला। तो अब मैंने ये मेथड को अपनाया है, तो इससे जब मैंने वैलिडेशन स्टार्ट किया, तो मैक्सिमम एरर सॉल्व हो चुके हैं, और जो बचे हुए हैं वो उनका भी वैलिडेशन स्टार्ट है, और वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो सारा कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पर बताऊंगा, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आ गए हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, तो ये मेरी वेबसाइट है, और इसके अगर आप AMP के सेक्शन में जाएंगे, तो पहले देखिए कितने सारे AMP के एरर आ रहे थे, अब धीरे धीरे सॉल्व होने लगे हैं, और एक आध कस्टम जावास्क्रिप्ट नॉट अलाउड ये एरर था, तो एक ही पेज बचा हुआ है। यहाँ पर अगर आप वैलिडेशन देखेंगे, तो पेंडिंग में एक है, पास हो गए, ये अदर। तो आप इस अगर मेथड को अप्लाई करते हैं, तो आपकी जो भी वेब स्टोरी होगी, वो जो भी एरर होगा वो सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये मेरी वेबसाइट है MKD डिजिटल, तो अब इस पर मैं वो आपको एरर को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। तो आपको प्लगइन के सेक्शन में जाना है, एड न्यू प्लगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है W3 टोटल। दोस्तों, अगर ये एक WP टोटल कैसे एक कैसे प्लगइन है, बहुत सारे लोग इसे पहले से यूज़ करते होंगे, बहुत सारे लोग दूसरे जैसे WP रॉकेट या और कैशिंग प्लगइन यूज़ करते होंगे, पर इस प्लगइन को यूज़ करने के बाद मुझे मेरा AMP का एरर सॉल्व हो गया था। तो अगर आप पहले से ही किसी और दूसरा WP रॉकेट या किसी और कैशिंग प्लगइन को यूज़ करते हैं, तो उसको आपको इंस्टॉल करना होगा, तब उसके बाद इसको इंस्टॉल कीजिए। आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक कीजिए और एक्टिवेट इसे कर दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं पहले इस वेबसाइट पर WP रॉकेट यूज़ करता था, तो मैं इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। अब आपको करना क्या है, अब आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सारी सेटिंग कर लेनी है, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सारा कुछ सेटअप कर लेते हैं, तो अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में कैशिंग की सेटिंग में चले जाना है, और यहाँ पर आपको एक्सटेंशन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप
एक्सटेंशन के बटन पर क्लिक करेंगे आपको वहाँ यहाँ पर पहले से ही बहुत सारी एक्सटेंशन मिल जाएंगी। तो अब आपको सिंपली एएमपी का जो एक्सटेंशन है उसको एक्टिवेट कर देना है और बस आपका काम खत्म। जैसे ही आप एक्सटेंशन के बटन पर क्लिक करते हैं आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जब आप इतने सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं और सिंपल प्रोसेस है तो आपके जो भी एएमपी का एरर होगा उसको जब आप वैलिडेट करेंगे तो वो वैलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा और एक दो दिन के अंदर या फिर 24 घंटे के अंदर वो जो भी एरर होगा वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लेना और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मेरे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ, कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।